तो कर ले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ रचना। आई अपलोड हेयर एवरी डे अबाउट होम मेकिंग एंड माय लाइफस्टाइल टू। इफ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। और ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि मैंने एंड किया था, एंड मैंने दोपहर में तकरीबन 2 बजे कल का व्लॉग किया था। और अभी बज रहे हैं शाम, कह लीजिए रात कह लीजिए, 8:30 बज रहे हैं। डिनर बन गया है, बस कुकर चढ़ा हुआ है, सीटी रिलीज होगी, कुकर में दिखाती हूँ क्या बनाया है। और यहाँ एस्ट्रो ने आंचल का मोबाइल कवर ले लिया है जो कि वो किसी कीमत पे दे नहीं रहा है, एंड साइड से काट काट के उसको खा रहा है, तो उससे मुझे ये छीनना भी है। एंड थोड़ा टाइम यहाँ उसके पास बैठ भी गई, तो उसको इसी तरीके से हम लोग सामान उससे लेते हैं, तो इसी तरीके से उससे कोई भी सामान अगर उसके मुँह से छुड़ाना होता है तो हम लोगों को यही टेक्निक मतलब आजमानी पड़ती है। तो फिलहाल तो वो छोड़ नहीं रहा है, एंड अभी भी वो जैसे हम लोग ज़बरदस्ती कोई चीज़ छीनते हैं कि ये खाएगा तो इसको नुकसान होगा, बट वो काट लेता है ज़ोर से। फिलहाल मैंने छोड़ दिया है उसको कि थोड़ी देर और रुको, उसके बाद में मैं ये मतलब कवर उसके मुंह से ले लूँगी। सुबह तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब सुबह की उठी हुई थी ना, वही 4:45 पे सुबह भोर में उठ गई थी, तब से मैं बिल्कुल भी मैंने रेस्ट नहीं किया है, मैं मतलब लेटी नहीं हूँ, तो जस्ट मैंने पुलाव ही बना लिया। अभी बनाया है रात के खाने में, ये वेज पुलाव बनाया है, एंड सोयाबीन पनीर मटर डाल के, और ये हरी धनिया की चटनी। तो ये हमारा अभी का डिनर है, और बहुत सुबह की उठी हुई थी, बहुत थक गई हूँ अभी मैं, और 4:45 यानी कि 4:45 की सुबह की उठी हुई हूँ। बस ये डिनर करूँगी, एंड ये जो ये वाला जो गाउन है ये पूरा नाइटी की जैसा ही है, तो इसी को पहन के सो जाऊँगी। काफ़ी ढीला डाला है तो इसी को पहन के सो जाऊँगी। जा रही हूँ डिनर करने, आंचल अंदर डिनर कर रही है, मिलूँगी आपसे कल सुबह। बस इट्स अबाउट के वो लोग बोले थे कि दाढ़ी ठीक ही है, मतलब अभी सब्सक्राइबर का कमेंट आया, दिखा रही हूँ, बोल रहे कि कल के व्लॉग में चिंकी क्यों नहीं दिखा। मैम क्या बात है, इतना तेरे को पसंद कर रहे हैं, चल हाय तो कर ले, हाय मम्मी के सब्सक्राइबर्स। और ये चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया, इनफैक्ट मैंने खाना भी बना लिया है रात का, थोड़ा वो पुलाव भी बचा हुआ है, चटनी रखी है, तो मसूर की दाल, आलू गोभी, मटर की सब्जी और रोटी, दैट्स इट। मैंने इसके अलावा अभी और कुछ भी नहीं बनाया है। ये ब्लैक वाला टॉप धोने का है आंचल? हाँ? और मुझे लगानी है अभी मशीन, और अब मुझे निकलना है, मेरे सामने जो बाजार है घर के, तो वहाँ जाना है प्लांट्स के लिए जो खाद होती है, तो वहाँ पूरी जैसे नर्सरी होती है, नर्सरी ही बोल सकते हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो उन्हीं से मैं खाद लेकर आती हूँ, तो खाद बहुत अच्छी है। और आज कपड़े भी पूरे 1 बाल्टी भर के कपड़े हैं, तो यहाँ लगा दिए हैं कपड़े, और अब निकलूँगी बाज़ार, लेकर आऊँगी खाद। तो ये मैं बीच बीच में जैसे कि 12-15 दिन में एक बार खाद में प्लांट्स में डाल देती हूँ, तो बिना मतलब कोई प्लांट टूल्स जो होता है सब के बिना मैं कैसे अपने प्लांट्स का केयर करती हूँ, कैसे वो इतने अच्छे हरे भरे रहते हैं, तो ये मैंने आज के वीडियो में आपको शो किया है। तो हर 15 दिन में मैं खाद वगैरह डालती हूँ और बहुत केयर भी करती हूँ अपने प्लांट्स की, भले ही बहुत बड़ा बालकनी नहीं है लगाने के लिए, तो बस ऐसे ही छोटी विंडो में लगा रखा है क्योंकि बहुत शौक़ है मुझे लगाने का प्लांट्स। और यहाँ ये घूम रहा है आराम से, इसको तो इजीली मतलब आराम से छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये कुछ ना कुछ सिर्फ ख़राब ही करता है। और
ये वाला जो आप फ्लावर पॉट देख रहे हैं, अभी इस टाइम पे मैं बाज़ार में हूँ, तो ये वाला जो फ्लावर पॉट है ये काफ़ी समय से होया, इनफैक्ट मैं 6 या 8 महीने से ये पूरा, जैसे इसकी मिट्टी सूख गई थी तो इसी को मैं निकलवा के और एक नया ही इसमें मैं तुलसी का ही पौधा दूसरा लगवा रही हूँ। तो मुझे तुलसी बहुत अच्छी लगती है, तो मतलब रामा तुलसी मेरे घर पर ही है, तो इसमें मैंने बोला कि आप श्यामा तुलसी लगा दीजिए। तो यही पूरा वो नर्सरी है। एंड एक जगह मैं और जाती हूँ जहाँ पे बहुत बड़ी नर्सरी है प्लांट्स की, तो वो कभी आपको शो करूँगी अगर जाऊँगी तो। और मैं आ गई खाद लेके, तो यहीं मैं अपने प्लांट्स रखती हूँ। दीपावली में तो आपने देखा मैंने रैक मंगाया था, प्लांट रैक, तो मतलब उसको लगाने से ना फिर खिड़की बंद नहीं हो रही और फिर इतने मच्छर आ जाते हैं, तो वो रैक मैंने हटा दिया है। और यहाँ अभी प्लांट सारे उतार के मैंने रखे हैं ज़मीन में, और यहाँ पूरा वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ तुलसी और प्लांट्स वगैरह रखते हैं ना, वहाँ ग्रिल में जाले बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो वो भी मैं क्लीन कर रही हूँ। एंड सर्फ डाल के पूरा मैंने धो दिया है अच्छी तरीके से, तो ये काम रोज़ रोज़ तो होता नहीं है, तो मैं 10 दिन 15 दिन में इस तरीके से पूरे प्लांट्स निकाल के और वॉश करके फिर से लगा देती हूँ। तो यहीं पे ये वॉश कर लिया है, अभी आपको मैं दिखाऊंगी सारे अपने प्लांट्स के। देखिए छोटे छोटे जो फ्लावर पॉट होते हैं गमले, उन्हीं में हैं ये देखिए। तो मेरे पास कोई प्लांट टूल नहीं है, तो ये मैंने फोक ले लिया है और इसी से जो मिट्टी है बस उसको हल्का हल्का मतलब कुरेद देते हैं, बस वही कर दिया है। एंड अगर बड़ा थोड़ा गमला है पौधे का, तो उसमें 2 या 2.5 चम्मच इस तरीके से खाने वाली चम्मच उसका ये खाद में डाल देती हूँ 15 दिन में एक बार। और छोटा अगर कोई प्लांट है बहुत ज़्यादा छोटा, तो उसमें 1 या 1.5 चम्मच तो डाल दो, तो उससे क्या है कि कुछ कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं। और मेरे तो प्लांट में मतलब ये खाद डालने के बाद भी कीड़े लग जा रहे थे, तो मैंने एक ट्रिक मतलब किया है, तो आपको अभी थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा। और ये जेट प्लांट है मेरा, जब मैं लाई थी बहुत ही छोटा सा था, अभी ये इतना बड़ा हो गया, क्योंकि देख रेख अगर आप अच्छी रखते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वो ज़्यादा समय तक लास्टिंग करती ही है और अच्छी रहती है। तो यहाँ मतलब इन दोनों में मैंने खाद डाल दी है, और खाद डाल के साथ ही पानी डाल दीजिए ज़रूर से। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितना बड़ा हो गया है अभी ये। तो बस जैसे जैसे खाद डाल के और प्लांट्स में पानी डाल के मैं इनको इनकी जगह पे लगाती जा रही हूँ। एंड ये दोनों पौधे हो गए। ये पुदीने का पौधा मैंने खुद अपने हाथों से ही लगाया था, तो पुदीना मैं ख़रीदती नहीं हूँ बाज़ार से, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ, तो इसी से ले लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। और ये है मिर्ची का पौधा, तो इसमें थोड़ी थोड़ी मिर्ची भी आ गई है, और इसको भी मैंने उसी ट्रिक से फोक से थोड़ा कुरेद के और 2 चम्मच इसमें भी मैंने खाद डाल दी है, पानी डाल के लगा दिया है जगह पे। और ये मेरा जो करी पत्ता का पौधा है, देखिए इसका प्लांट जो है मतलब गमला जो है कितना छोटा है, मगर पौधा कितना हरा भरा है। तो 15 दिन में एक बार अगर आप इस तरीके से खाद डाल देते हैं, अच्छे से वाटरिंग करते हैं, ओवर वाटरिंग कभी भी प्लांट में नहीं करनी चाहिए, कोई भी प्लांट हो अगर उसकी मिट्टी गीली है तो उसमें पानी फिर नहीं डालना चाहिए, जब मिट्टी अच्छी तरीके से सूख जाए तभी पानी डालिए उसमें, तो ओवर वाटरिंग से भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। मेरे पौधे इसीलिए अच्छे रहते हैं, मैं ओवर वाटरिंग भी नहीं करती हूँ। एंड 15 दिन में एक बार ये गोबर की खाद है जो मैं लेकर आती हूँ, तो ये डाल देती हूँ। और सबसे बेस्ट है कि जो आप किचन में चावल दाल वगैरह जब धोते हैं, जो पाउडर फॉर्म का जो वाइट पानी उसमें से दाल चावल में से निकलता है, वेस्टेज जो सब्जियां हैं मतलब धनिया का जो डंठल है, पालक वगैरह का, सबका जो पानी वगैरह जो आप धोते हैं उसको आप प्लांट में डाल दीजिए, तो वो उसमें काफ़ी वो पौष्टिक होता है और बहुत अच्छा होता है वो प्लांट्स के लिए। और ये वाला पौधा मेरा जवा का पौधा है, जिसमें सबसे ज़्यादा कीड़े मतलब इसके पत्ते में कीड़े लग जाते हैं, तो मैं इसके लिए मैं किसी प्लांट वाले के यहाँ से कुछ लेकर नहीं आई, तो इसको भी मैंने जस्ट ऐसे ही मैं इसकी केयर करती हूँ, और आज ये बिल्कुल सही है और समय समय पर फूल भी देता है, तो बहुत अच्छा है। तो मैंने क्या किया कि एक ग्लास में हल्की सी हल्दी ले लेती हूँ मैं, ये मैं आपको शो कर रही हूँ। तो मेरे पास अभी जो स्प्रे है वो नहीं है, मतलब थी टूट गई है, तो मैंने ग्लास में ही ले लिया है। एंड जस्ट थोड़ा सा पानी मैंने खाद डाल के इसमें डाला है, और बाकी पूरा जस्ट मैंने पौधे को नहला ही दिया है। तो मतलब ये आप 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इसको करने के बाद इस प्लांट में क्या, किसी भी प्लांट में मेरे कोई भी कीड़ा नहीं लगा, और इस प्लांट में लगा भी था वो भी चला गया, एंड प्लांट बिल्कुल हेल्दी है।
एट लास्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये प्लांट आंचल लेकर आई थी, मैंने कई बार आपको बताया है ब्लॉग में, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब मूवी गई थी, तो वहाँ से जब आ रही थी तो रास्ते में प्लांट वाला था ये लाई थी मैं, मुझे आज तक नहीं पता ये कौन सा प्लांट है, तो इसी बैग में ये आया था। एंड ये कितना बड़ा हो गया है अभी मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में आपको। तो यहाँ हो गया है पूरा प्लांट का मतलब खाद वगैरह देना, एंड जगह भी पूरी मैंने क्लीन कर दी है। तो अब दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये पौधा कितना लंबा हो गया है, कौन सा पौधा है नहीं पता मुझे। करी पत्ता भी मेरा पूरा हेल्दी है। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ अपने प्लांट्स का ख्याल। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड ट्रिक्स आपको दोनों ही पसंद आए होंगे। पसंद आए होंगे तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।